नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे शासकीय मेडिकल कॉलेज खंडवा में जो स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग सिस्टर और वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पद के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म हम कैसे भरेंगे, इसकी अंतिम दिनांक क्या रहेगी और इसमें हमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शासकीय मेडिकल कॉलेज खंडवा में जो नर्सिंग सिस्टर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए हमें MP ऑनलाइन के ये ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर नवीनतम सूचनाओं में हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग सिस्टर एंड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा MP। तो ये जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में हमें सेवाओं पर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। दोस्तों, सेकंड वाले ऑप्शन पर हमें दिख रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग सिस्टर एंड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा MP। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दिख रही है, इसके सामने जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों, इसका जो आवेदन है 7/9/2022 से चालू हो गया है और 6/10/2022 इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। तो दोस्तों, हमें क्लिक हेयर यहाँ क्लिक करें, जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आवेदन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, इसको यस को सिलेक्ट रखना है। यदि आप नो को सिलेक्ट करोगे तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। उसके बाद में अप्लाइंग पोस्ट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर आएगा। उसके बाद में एप्लीकेंट का नाम, जिस भी आवेदक का आप आवेदन फॉर्म भर रहे हो, जिस भी महिला का आवेदन फॉर्म भर रहे हो, उसके जो डॉक्यूमेंट में उसका नाम है, वो नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम देना है। उसके बाद में कैटेगरी का चयन करना है, ST, SC, OBC, UR या EWS। उसके बाद में दोस्तों, जेंडर का चयन करना है, तो यहाँ पर आपको फीमेल या मेल जो भी है उसका चयन कर लेना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में MP डोमिसाइल यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यदि एक सर्विस मैन है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यदि विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें और उसकी जानकारी दें, नहीं तो इसको नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों, एक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग, नर्सिंग काउंसलिंग का आपका जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देना है, जो कि चालू होना चाहिए। उसके बाद में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर आपको आपका रोजगार नंबर देना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, मेरिटल स्टेटस में सिंगल या मैरिड, यदि मैरिड है तो मैरिड की जानकारी दे, अन्यथा सिंगल को सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th और 12th की जानकारी तो आपको फिल करनी है, जिसमें पासिंग ईयर, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम, परसेंटेज देना है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्वालिफिकेशन पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास BSc नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है या डिप्लोमा इन नर्सिंग है, जो भी आपके पास है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देना है, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम, मार्क ऑप्टेन, परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन नर्सिंग के जो भी है उसका आपको परसेंटेज देना है। उसके बाद में दोस्तों, यदि आपके पास MSc नर्सिंग है तो उसकी जानकारी दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में डू यू पास्ड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो इसको यस को आपको सिलेक्ट करना, यानी कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आपने जो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया है या प्राइवेट से, जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी है कि आपको कौन से कितने परसेंटेज चाहिए, वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन, यदि आपके पास डू यू हैव मिनिमम 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, तो इसको यस को सिलेक्ट करें और उसकी जानकारी दे, अन्यथा इसको नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों, आपको आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है। उसके बाद में बैंक की डिटेल देनी है, जिसमें बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है सिटी प्रिफ्रेंस ऑफ क्वालिफिंग एग्जामिनेशन सेंटर,
तो फर्स्ट प्रिफ्रेंस और सेकंड प्रिफ्रेंस है, तो जो भी आपका नज़दीकी परीक्षा केंद्र है उसका आप चयन कर ले, उसके बाद में कैप्चा कोड दे, उसके बाद में चेकबॉक्स पे क्लिक करें और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। और साथ ही दोस्तों ये जो आवेदन फॉर्म भरोगे इसमें 5 साल का जो अनुभव है वो अनिवार्य है। जब आप अनुभव आपके पास नहीं होगा तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको अनुभव जो भी है 5 साल का कम से कम वो अनुभव भी देना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में सारी जानकारी डालने के बाद में जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उसको ओके पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें जो भी हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर, जिस भी छात्र या छात्रा यानी कि जिस कैंडिडेट का आप आवेदन फॉर्म फिल करोगे उसकी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में जो भी रजिस्टर्ड और ईमेल आईडी पर आपको OTP आएगा वो OTP देनी है, और उसके बाद में आपको सबमिट OTP पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट OTP पर क्लिक करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, और उसके बाद में दोस्तों आपने जो भी दस्तावेज है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग, इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र और जो अपना गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी दस्तावेज आपको स्कैन कर जो अपने जो आगे फॉर्म में अपलोड करना है उसके बाद में आपको इसका पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो संभाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से सरकारी मेडिकल कॉलेज खंडवा में जो नर्सिंग सिस्टर और सीनियर नर्सिंग स्टाफ की जो भर्ती हो रही है उसके आवेदन फॉर्म आपको इस तरीके से फिल करना है और उसकी रिसिप्ट प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि जब इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे तो वो इसी एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।